गाइस देखो हम लंगर के पास पहुंच चुके हैं। देखो देखो लंगर व्हाट्सएप एवरीबडी वेलकम टू आवर चैनल आई एम एस व्लॉग्स। तो गाइज अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और अभी मैं उस जालना में मत पूछ यार, मैं अभी आ गया वापस जालना में। तो गाइज अभी हमारा प्लान बन रहा है, तो मतलब प्लान तो कल ही बन गया था, तो अभी हम निकल रहे हैं नांदेड़ के लिए, हुजूर साहिब नांदेड़, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी ये है ना, वो बहुत क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है ना। तो गाइज गुरुद्वारे में जाएंगे दर्शन वगैरह करेंगे, थोड़ा वहाँ पर नांदेड़ में घूमेंगे और आज शाम को वापस आ जाएंगे। 4-5 जन जाने वाले हैं, मैं, निखिल, जगदीश और हमारा गटमर उर्फ ओम। ओम तो गाइस ओम गाड़ी बाहर निकाल रहा है, पहुंच लेना गाड़ी। ओके यार धड़कन धड़कन पाए मैं। तो गाइस जाने के लिए अब सब रेडी है, तो भाई निकलते हैं। और बेचारे घर वाले से बात कर रहा हूँ कि सुबह के अभी 5:10 हो चुके हैं और अभी पड़ोस के सो रहे हैं, ऊपर हमारे ओनर रहते घर के वो भी सो रहे हैं, तो इसलिए भाई चलो क्लूब व्लूब लगा लेते हैं, निकलते हैं। सो गाइस अभी 5:30 हो चुके हैं और देखो हम चल रहे हैं, क्योंकि हमने जो गाड़ी है ना हमारे यहाँ पे रिलेटिव रहते हैं उनके यहाँ पे लगा दी। सॉरी गाइस यहाँ पे लगा अंधेरा है। तो गाइस गाड़ी अभी सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर है, तो हमें फिर जाना है, टिकट निकालना है। यही पे है, ये देखो इस बिल्डिंग के वहाँ पे ही है, इस बिल्डिंग के पीछे ही है वो, देखो झंडा दिख रहा है ना स्टेशन वहाँ पे ही है। गाइस अभी आ चुके हैं हम, रुको जरा सफर करो मुझे वाना सुन दो। तो गाइस अभी 5:45 हो चुके हैं और हम टाइम पे पहुंच गए, तो अब 5-10 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। देखो यहाँ से गाड़ी आने वाली है और हम यहाँ पे जाने वाले हैं, और देखो यहाँ पे कुत्ता भी सोया है। तो भाई हाँ सो गाइस ये जो निकल है ना, ये फर्स्ट टाइम स्टेशन पे आ रहा है और फर्स्ट टाइम वो ट्रेन में बैठने वाला है, तो इसके लिए टालिया अभी मैंने बजा सकता। तो भाई बोल रहे केक भी का है, मेरी पहली ट्रेन, तो आओ तुम्हें पटरी दिखा, दिखाता हूँ तुम्हें पटरी। ये देखो हमने जो फोर्से में सीखा था ना रेलवे इंजीनियरिंग, ये देखो ऐसी पटरी रहती है, और वो देखो वहाँ पे जॉइंट है, वो है ना वो वहाँ पे जॉइंट है। ये कौन सा गेज है बताओ, हमें तुमने सीखे थे ना, मेरे को तुम पता है, पर तुमको कितना आता है मेरे को देखो। नहीं बताओ मेरे को, नहीं आता बताओ, तुम दे बताओ मैं बाद में बताऊं। नहीं नहीं मेरे को नहीं आता, तुम बताओ कौन सा गेज है। ऐसे फुकट में नॉलेज कैसे देते लोगों, क्लास लेके देते। ये नैरो गेज है, नैरो गेज मैं यही बोल रहा था, नैरो नैरो गेज है, नैरो गेज है निकल, नैरो गेज है, ब्रॉड गेज है, वो गेज है, वो ब्रॉड गेज है, ब्रॉड यही बोल रहे, तो ही मीटर गेज बोलते हैं, मैं इसे बोल रहा था, मैं ब्रॉड गेज है। टॉमी तो गाइस अभी हमने ना सादा टिकट निकाला है और हम अभी एसी में बैठने वाले, देखो। नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा फंदा है, कभी नहीं कभी नहीं। तो गाइस ट्रेन तो आ गई है, देखो आपको दिख रही होगी ना, वो देखो लाइट आ रही है ना, वो देखो ट्रेन। तो चलो भाई सामने जाते हैं, तो फिर जगह मिलेगी, अरे चश्मा गिर जाएगा मेरा। तो गाइस देखो गाड़ी आ गई, ओ मामा ओ झांबा ओ मामा, बहुत बड़ा धोखा दे दिया गाइस, इतनी सामने रुकी है ना गाड़ी। जगदीश मेरे को खिड़की में बैठना है, तेरे को बता रहा हूँ अभी, हट जा हट जा मेरे रास्ते से भाई, नहीं तो सर गए। नहीं नहीं आए लो मजा आता आ सकल लगी, आए लो वीडियो मी गतन लो आए लो लगे आ सकल लगी मैं जागा कुंडल ला दी। कितनी यहाँ पे बैठा है वो, मैं यहाँ पे निकल वहाँ पे, तो भाई आराम से। और जगदीश जालना में क्या हुआ, तो गाइस जगदीश है ना जरा प्रयत्न कर रहे कि वो जरा ट्रेन को ढकले, जरा देखो अभी ढकल अभी नहीं जरा ट्रेन स्टार्ट होने दो थोड़ा, पर उसका भी ढकल। मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो इंजन में बैठने के लिए जाते, जाने था पर इंजन में चलाएगा वो बोलेगा मैं चलाएगा, कैसे करेंगे आप, इसलिए नहीं गए अपने गए वही इंजन में, मतलब मेरी इच्छा है इंजन में बैठे, लेकिन प्लेटफॉर्म के भी आगे ना नहीं तो मैं ये बस है तो सांग तो
शेवट लास्ट सांग तुला फाइनली नांदेड़ पे पहुंच चुके। तो ये रहा नांदेड़ का जंक्शन भाई, काफी दूर से ट्रेन ने स्पीड कम की और अब भी जाके आ रही है। देखो मेरा नांदेड़। तो गाइस हम पहुंच गए हुजूर साहिब नांदेड़। ये देखो, यहाँ पे देखो हुजूर साहिब नांदेड़ ऐसा कुछ है यहाँ का स्टेशन। तो भाई मेरे बाल काफी खराब हो गए, ऐसे डोक रहा था ना तो बाल खराब हो गए मेरे। तो गाइस हम पूरा घूम के आए एलिवेटर से चढ़ने के लिए। ओम ने कहा कि यहाँ पे एलिवेटर है, यही बंद है, यही बंद है। देखो यार, तो गाइस हम गुरुद्वारा तो पहुंच चुके हैं। ये रहा गुरुद्वारा, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ना ये सिर पे बांधना पड़ता है ना, तो हमने बांध लिया। हाँ, तो अंदर नहीं जाने देते, एंट्री नहीं है, तो फिर हमें कुछ मालूम भी नहीं ना। तो ओम आया यहाँ पे पहली बार, मतलब ओम पहले भी आया ना, तो ओम ने बताया मुझे। तो भाई तो चलो भाई बांध लिया, तो चुप चलते भाई। ये रही यहाँ पे 100 350, देखो क्या सही है गाड़ी, बहुत सही है। तो भाई अभी यहाँ पे ऑरेंज कलर के भी थे, तो हमने वो रूमाल निकल के ये वाले पहन लिए यहाँ पे, मतलब सबके लिए ऑरेंज कलर के, तो यही पहन लिया। वो जो है ना वो अंकल वो खुद के वो हमके बांध के दे रहे, वो तो बहुत अच्छा है। आप सबने अभी दर्शन किया, अभी अभी अरे कहना क्या चाहते हो सब ने दर्शन किया, बात प्रसाद खा रहे, देखो ये प्रसाद। तो गाइस हमने अभी यहाँ पे छोटा सा प्रसाद खा लिया, वो जिनका उपवास है नवरात्रि चालू है ना, जिनका उपवास है ना उनके लिए। तो अभी जा रहे हैं लंगर खाने के लिए, लंगर है ना उन्होंने कहा कि वहाँ पे मिलता है, तो चलो भाई वहाँ पे देखते हैं। हाँ मैंने गोविंद से बहुत सुना है कि लंगर का बहुत, मतलब वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, हाँ स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज करते है प्रॉपर। गाइस देखो हम लंगर के पास पहुंच चुके हैं, तो गाइस यहाँ पे लंगर मिलता है। तो भाई ये रहा इसके अंदर। तो भाई चलो चलो भाई प्लेट लेनी है, यहाँ से प्लेट लो। तो भाई चम्मच वगैरह ले ले, थाली वगैरह, तो अभी यहाँ पे बैठते हैं। तो भाई बैठ जा। गाइस देखो फाइनली हम लंगर के पास पहुंच चुके हैं। ये देखो प्लेट, अरे प्लेट फूट रहा है, देखो पंखा तो देखो छोटा ही, बहुत छोटा पंखा है, मेरी पंखा देख ही नहीं। तो गाइस लंगर आ चुका है, ये रहा प्रसाद, वरण है, आलू की सब्जी है, रोटी भात, और यहाँ पे भी कुछ तो आएगा मालूम नहीं, और ये रहा पानी ऐसे पी दे भाई यहाँ पे। तो चलो प्रसाद कर लेते ग्रहण। तो गाइस लंगर तो खा लिया भाई, इतना ज्यादा टेस्टी था ना, और आलू की सब्जी, खीर भी आई थी बाद में, खीर भी बहुत, जाके सो जाओ ऐसे नहीं, हाँ बहुत नींद आ रही है, घूमने आए हाँ, तो बोल रहे सोने के जाने, क्या बोला तू, तेरे को क्या, हम घूमने आए, दर्शन करने आए भाई, धूप बहुत तेज हो गया गाइस। और मेरे मुझे अभी पता चल रहा है, ये जो गुरुद्वारे का जो मंदिर है ना, उसका जो टॉप है ना, सब सोने का है, आपको दिखाता हूँ अमृतसर के बाद, वो देखो वो है ना, वो सब सोने का है। तो गाइस अभी फिलहाल हम जा रहे हैं मेरे मौसी के घर पे। देखो मैंने आपको बताया था, मेरी एक मौसी है ना यहाँ पे रहती है नांदेड़ में, उसके मतलब उनके बेटे की शादी में भी गए थे, मैंने व्लॉग भी डाला था, तो उनके यहाँ पे जा रहे, तो अभी वही ढूंढ रहे हैं वो एरिया कहाँ पे है, उन्होंने पर्टिकुलर ऐसा यहाँ पे आने के लिए कहा है, लेकिन अभी चलो देखता हूँ कहाँ पे। तो भाई अभी 1:30 बज चुके हैं और मौसी के घर पे जाके आ गए वापस स्टेशन पे। देखो हुजूर साहिब नांदेड़, ये देखो। तो भाई चलो चलते हैं, टिकट निकालते हैं, और गाड़ी 3:30 बजे आने वाली, तो हमें और 2 घंटे अभी रुकना पड़ेगा। तो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है, लेकिन वो बहुत देर बाद निकलने वाली है ना, तो अभी हम यहाँ से चढ़ के जगह वगैरह पकड़ लेते हैं, फिर हमें जगह नहीं मिलती। चल चलो चलो चलो। तो गाइस फिलहाल 5:20 हो चुके हैं भाई, मैं पहुँच गया सेलू में, गाड़ी से उतर गया, बाकी सब गए जालना, और मैं यहाँ पे आ गया सेलू में। अभी 2-3 दिन आराम से रहूँगा, छुट्टियाँ है ना सैटरडे संडे, तो भाई आराम से रहूँगा, फिर जाऊँगा, थोड़ा तो चलते हैं घर पे, अजी बाबा नहीं है, सॉरी गाइस बंद कर देता हूँ। Thank you.
तो गाइस ये है गनू, इसका नाम है गनू और ये हमारे मामा के यहाँ का डॉग है। देखो मेरे पास कैसे आ रहे हैं डॉग्स भाई, मेरे पास आते हैं सच्ची। क्या क्या है हम से टाइगर बगन चला।